एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने फेस पे क्या लगाया है, और आज मैंने कहा चलो आज मैं ऐसी इंट्रो देती हूँ। तो अभी मैंने अपने फेस पे लगाया एक फेस पैक, ठीक है, DIY। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, तो अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं आपको इसकी जो है रेसिपी दूंगी, अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं नहीं दूंगी, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बनाना है और बाकी जो भी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे जो है मम्मा भी लगा रही है। हेलो एवरीवन। और ये देखो मम्मा भी लगा रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। बस ये ड्राई होगा, ठीक है, जब तक मैं बैठी हुई हूँ। तो बाकी जो है आज मैंने फर्स्ट टाइम मतलब यूज करा है ये वाला पैक। और वैसे मैं इन चीजें बहुत ना लेजी हूँ, मैं इन चीजों में मैं नहीं लगाती अपने फेस पे कुछ भी, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत लेजी, मुझे लगता है फजूल काम ही है सारे। लेकिन फिर भी लेकिन करनी चाहिए ये चीजें, आपका फेस क्लियर रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन बस मेरी अंदर सुस्ती भरी हुई है तो इसलिए मैं नहीं कर पाती। 20 minutes later. Guys, मैंने अपने फेस वॉश कर लिया, ठीक है, और आप देख सकते हो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले। मैंने फर्स्ट टाइम यूज करा था ये वाला पैक, ठीक है, और मतलब बिल्कुल फ्रेश सा फील लग रहा है। मेरी स्किन भी कितनी आपको फ्रेश लग रही होगी, और मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं करा हुआ, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ये ब्राइटन के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि मेरे फेस पे टैनिंग हो रही थी इस वजह से। बाकी जो है यहाँ पे मेरा एक पिंपल भी हो रहा है, एक ही हो रहा है सिर्फ, शुक्र है ये एक हो रहा है। तो मम्मा भी आती है, मम्मा का फेस भी आपको दिखाती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग को इसके रिजल्ट कैसे लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मम्मा ने भी वॉश कर लिया। मम्मा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, वेरी नाइस, सही है, बहुत अच्छा, फ्रेश हो गई स्किन, है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था और अपने फेस पे क्या लगाया था, ठीक है। जब पहले मैं खाती हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं करा था। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, और देखते हैं आज खाने में भी क्या बनाया मम्मा ने। तो यहाँ पे मेरा खाना आ चुका है, ठीक है, और ये जो तोरी आलू है ना, ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इसको खाते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं मम्मा ने कैसा बनाया है। अब मैं आपको बताती हूँ DIY फेस मास्क, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कटोरी ले लेनी है, उसके बाद हमने एक बनाना ले लेना है, ठीक है। बनाना जैसा भी हो चलेगा, वैसे जो है थोड़ा नरम बनाना हो ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपने बनाने को अच्छे तरीके से मैश करना है, जैसे मैंने मैश करा है, ठीक है। मैश करने के बाद आपने कोई भी मिल्क पाउडर होता है, मैं यहाँ पे एवरीडे यूज़ कर रही हूँ, आप नीडो यूज़ करना चाहो या कोई भी दूसरा यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना, और इसका अच्छे से ना मिक्स करके एक पेस्ट सा आप लोगों ने बना लेना है। फिर ये मास्क बनाने के बाद आपने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से हर जगह पे लगाना है। और मैं आपको ये बता दूं कि बनाना में जो होता है वो होता है विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, उनको रिड्यूस करता है, ठीक है। और जो विटामिन सी होता है वो हमारी स्किन को ब्राइटन करता है, और जो मिल्क पाउडर होता है वो भी हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है, और जो है हमारी स्किन से जो है डेड स्किन निकाल देता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ये कोई नुकसान देह नहीं होती है, होम रेमेडीज होती है, ठीक है। और इसको हर कोई लगा सकता है, बड़े बच्चे, लड़के, लड़कियां, छोटे मोटे, तो जिसने भी लगाना है आप लगाओ आराम से, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिले, कैसे नहीं मिले, ठीक है। तो मैं वेट करूंगी आप लोग के कमेंट्स का। बाकी जो है अभी फिर कुछ नहीं, आपको मैंने रेसिपी दे दी, इसको जल्दी से अपने अपने घरों से निकालो, बनाओ जल्दी से मेरा व्लॉग देखने के बाद, और अपने फेस पे अप्लाई कर लो। तो बस अभी मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर के बाद। The next day. तो गाइज यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे, और अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, ठीक है। और अभी बजने सुबह के 7, और कल मैंने ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत खराब हो गई थी, मुझे फ्लू हो गया था और गले में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं सो गई थी, ठीक है। तो अभी मैं नाश्ता वाश्ता करते हैं, और जो है ये लोग सो रहे हैं, अब इनको भी उठाते हैं। तो यहाँ पे ये लड़की सो रही है, उठ जाओ जिया, स्कूल नहीं जाना। और ये देखो अपने साथ चीज़ के डब्बे भी लेके सोती है, क्या पागल लड़की है। जिया जिया उठना नहीं, स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करनी है। और अभी उठ चुका है, और अभी सबसे पहले उठता है, अभी बहुत गुड बॉय है ना अभी। तो ये आ गया अजिया का नाश्ता, और ये आ गया अभी का नाश्ता ना अभी। और आप नहीं कर रही? कर जब जाऊंगी। और बाकी गाइस मैं नाश्ता नहीं कर रही क्योंकि मेरा ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं कर रहा, करती नहीं है नाश्ता, ये भी तो बताओ गाइस को। कभी कभी कर लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है, कभी कर लेती हूँ पर रोज नहीं करती आप, क्योंकि मुझसे ना सुबह उठ के खाया नहीं जाता इतनी जल्दी, तो इसलिए। वैसे फ्लू हो रहा है तो और देर नहीं करता, नाश्ता करते हैं ना अच्छे होते हैं। ये बात तो अज्जा ने सही बोली, हेल्दी होते, सुबह का नाश्ता करना चाहिए सबको, लेकिन आदत नहीं है मुझे बिल्कुल भी, तो इसलिए मुझसे नहीं होता। आदत डालो। Approximately 10 hours later. तो यहाँ पे मम्मा लाएंगे अभी चीज, आ जाओ तुम लोग को चीज दूं बच्चों। ये आ चुके दोनों, ये मुझे लग रहा है एक एबी का है, एबी और अजय, ये आपका, ठीक हो आप, तबियत ठीक है? हाँ जी, की भी मुझे लग रहा है मेरे साथ तबियत खराब हो गई, ठीक है। और ये वाला लेस है मेरा, ठीक है, बाकी 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 इस पे छोटी छोटी चीजें,
तब इनको देती हूँ। थैंक यू, ये मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने इनको सारी चीजें दे दी और अब लड़ना नहीं, आराम से बैठ के खा लो, ठीक है? और ये देख रहे हैं साथ में मोमो भी। क्या अजिया जरा हमारी बहुत पढ़िया करती रहती है, कुछ ना कुछ हरकतें ना, और इसमें स्कूल जाते हुए भी इतनी हरकतें करती ना, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी इसकी हरकतें। चलो चीज खा लो, और अभी ने अपने सारे टॉयज वहाँ फिलाए हुए। तो यहाँ मैंने दोनों की पेप्सी डाल दी है, ठीक है? आ जाओ अपने अपने कप ले लो दोनों, एक एबी का बैटमैन वाला और अजिया का। मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि फिर मुझे ज्यादा नजला हो जाएगा ना, इस वजह से मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। A few moments later. तो यहाँ पे अब अजी और एबी जो है अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, आज ये लोग ट्यूशन नहीं गए थे। कर लिया भाई आपने? नहीं, मेरी तो स्कूल में कॉपीज रह गई थी। बोलने क्या है, छोड़ दो ये, आप अपनी चीजें लेके आया करो, सारी समझ आई? हम लोगों ने गाइस मैगी बनाई और मैगी इंजॉय करी अपनी। तो गाइस आज की वीडियो मेरी यही थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए मैंने कुछ व्लॉग खास बनाया नहीं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।